देश में पत्रकारों पर हो रहे हमले और अत्याचार के विरोध में रविवार को बिलासपुर प्रेस क्लब द्वारा भी एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया गया और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन से व्यवस्था की मांग की गई, जहां बड़ी संख्या में पत्रकार धरने में शामिल हुए। निर्भीक होकर पत्रकारिता करने वालों पर अब समाज के कुछ विकृत मानसिकता के लोगों द्वारा हमले की घटनाएं बढ़ते जा रही है, जिससे पत्रकारों की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा सामने आ गया है। पत्रकारों पर हमले पहले भी होते थे, लेकिन इन दिनों ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं है, जिसकी ही परिणति है कि पत्रकारों की हत्या भी हो जा रही है। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अब हर स्तर पर पत्रकार एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। देश में विभिन्न स्थानों पर पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसी घटनाएं लगातार आ रही हैं। इन घटनाओं के प्रतिकार के स्वरूप में हमने आज यहां पर बिलासपुर प्रेस क्लब की ओर से सभी साथियों के साथ मिलकर के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया था। पत्रकार साथी आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की घटना होने पर उनके साथ में उनकी सुरक्षा के लिए न तो पुलिस प्रशासन कोई सोचता है, न ही कोई समाज में कोई व्यवस्था है। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, प्रशासन को, शासन को, इस पूरे तंत्र को इस बात पर विचार करना चाहिए। बिलासपुर प्रेस क्लब में भी रविवार को धरने पर बैठे पत्रकारों ने पत्रकारों के सुरक्षा के लिए एक विशेष सेल के गठन की मांग की है और सभी पत्रकारों को एकजुट रहकर ऐसी घटनाओं का प्रतिकार करते रहने आह्वान किया गया है। जहां कलम की ताकत के सामने चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ खड़े रहने की चुनौती दी गई है। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज़ बिलासपुर।